हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने राजस्थान पीटीईटी का फॉर्म फिल किया है या फिर फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक पीटीईटी का फॉर्म फिल नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी तक पीटीईटी में कितने फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। देखिए, परीक्षा फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से पहले जो है आप लोग अपना फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म का जो आंकड़ा है वो 2 लाख के पार हो चुका है और 9 जून को परीक्षा होगी। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो पूरी अपडेट देख लेते हैं। तो दे सकते हैं आप लोग, परीक्षा पीटीईटी 2024 में आवेदन की अंतिम तिथि अब बढ़कर 15 अप्रैल की। अभी तक पीटीईटी में 2,30,000 तक हुए हैं आवेदन। टोटल फॉर्म फिलअप की अगर मैं बात करूं तो अभी तक 2,30,000 फॉर्म की जो संख्या है वो पहुँच चुकी है। राजस्थान में शिक्षक बनने की योग्यता परीक्षा पीटीईटी 2024 में आवेदन की अंतिम तिथि अब 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इस बार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा इस परीक्षा का आयोजन कर रहा है। परीक्षा तिथि 9 जून रखी गई है। परीक्षा समन्वयक डॉक्टर आलोक चौहान के अनुसार पीटीईटी के लिए अब तक 2,30,000 आवेदन आ चुके हैं। अभ्यर्थियों की मांग पर अब अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन नियमावली और परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड है। प्रवेश परीक्षा शुल्क ₹500 रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए विभाग की साइट का अवलोकन करें। ऑनलाइन आवेदन, आवेदकों को फॉर्म भरने में कोई भी समस्या होने पर वे कंट्रोल रूम पर दिए गए फ़ोन नंबरों पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। ईमेल से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरे जा रहे हैं। आवेदक स्वयं या ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।